हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम एक अनऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि है एवोल्यूशन एक्स 5.9 का एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट विच इज अनऑफिशियल। तो ये रेडमी नोट 5 प्रो के लिए यहाँ पे आ चुका है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है डेफिनेटली एक लाइक जरूर से आप कर सकते हो। सबसे पहले अबाउट फोन के ऊपर आते हैं तो एवोल्यूशन एक्स आपको देखने को मिलता है और अगर आप देखोगे डिवाइस कोड नेम whyred और एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट है। 5.9 इमॉर्टल वर्जन आपको मिलेगा और एक अनऑफिशियल अपडेट है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो पहले फीचर्स वगैरह गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह देख लो, उसके बाद इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेटेस्ट जुलाई 5 2021 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, जून 1 2021 का आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट और इसके अंदर आपको जो कर्नल मिलता है वो यहाँ पे जो है एक्सटेंडेड का मिलता है, बट मैंने रिप्लेस कर रखा है यहाँ पे डेजर्ट ईगल वर्जन 17 के साथ और वो भी ओवरक्लॉक्ड वर्जन के साथ। तो आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स है ना वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे। द इवॉल्वर का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको मैं और भी फर्दर जो है फीचर अभी चेक करवाता हूँ। सबसे पहले थीम्स का सेक्शन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीजें मिल जाती है। कस्टम हेडर पैक लगा सकते हो, हेडर इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको शो ऐप वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल स्टाइल के अंदर शेप शिफ्ट ओएस का, उसके बाद प्रोजेक्ट 404 का, देन ऑक्सीजन ओएस टाइप का, तो ये आप कोई भी सेटअप कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। स्विचेस आपको एंड्रॉयड 12 वाली और ऑक्सीजन ओएस 11 के साथ भी मिलती है। जी विजुअल मोड मिलता है और रही बात यहाँ पे फॉन्ट वगैरह की, तो फॉन्ट इंजन आपको ये मिल जाता है जो कि सिस्टम वाइडली आपका वर्क करता है। बाकी आइकन पैक वगैरह आप चेंज कर सकते हो, आइकन शेप आप चेंज कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट ये जो आइकन पैक है ना, ये आपका जो है डिवाइस रीस्टार्ट होने के बाद रीसेट हो जाता है, ये चीज मैंने नोटिस की है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और स्टेटस बार के अंदर आपको ट्रैफिक मॉनिटर, क्लॉक एंड स्टाइल वगैरह और लेटेस्ट अब जो है फीचर आपको मिलता है स्टेटस बार लिरिक फीचर, और आप इसको यूज कर सकते हो, बट इसके लिए ऐप का सपोर्टेड होना जरूरी है। बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी। टीकर का ऑप्शन है और इन कॉल वाइब्रेशन आप मैनेज कर सकते हो। पावर मेन्यू के अंदर सिस्टम सेटिंग्स मिलती है, एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन है। जस्टिस की बात करेंगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल आप यहां से कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है स्टेटस बार से। टैप टू वेक, टैप टू स्लीप आपको मैं चेक करवाता हूँ। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वर्किंग है, स्क्रोलिंग आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट के अंदर। उसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग के अंदर दिखा देता हूँ, सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको ये ऑलमोस्ट सभी चीजें देखने को मिल जाती है, हैप्टिक फीडबैक वगैरह, और आप इनको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ये सभी चीजें आपकी ऑलमोस्ट वर्किंग है। एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे, मिसलेनियस के अंदर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है और स्क्रीनशॉट सेटिंग्स आप सेटअप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट की क्वालिटी को 100% तक आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ये भी आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे, न्यू फीचर्स कुछ ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलते। अब फिर से चलते हैं सेटिंग के अंदर और आपको मैं सभी चीजें वन बाय वन चेक करवाता हूँ। सिस्टम के अंदर कोई अपडेटर नहीं मिलता, जस्टिस मैंने चेक करवा दिए। शॉमी पार्ट्स के अंदर आपको एम्बिएंट डिस्प्ले जस्टिस मिल जाते हैं, डिस्प्ले कैलिब्रेशन कर सकते हो, उसके बाद वाइब्रेशन स्ट्रेंथ को आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये वर्किंग है। और इसको आप जो है मिड के अंदर रखोगे ना, काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा हैप्टिक्स का, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हो। सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और इसकी जो स्पीड है वो आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, काफी फास्ट है, कोई भी आपको यहाँ पे इशू नहीं आने वाला। ये काफी इंस्टेंटली आपका डिवाइस अनलॉक कर देगा, उसके बाद फेस अनलॉक अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिस्टम इंटीग्रेटेड ऐप लॉकर का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ कुछ और फीचर्स जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे टैप टू चेक फोन का ऑप्शन मिलता है और जस्टर्स चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले टैप टू वेक वर्किंग है और ये एम्बिएंट डिस्प्ले के ऊपर भी वर्क करता है। टैप टू स्लीप भी आप यूज कर सकते हो। डबल टैप ऑन स्टेटस बार का भी वर्किंग है आपका ऑप्शन और इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। डार्क थीम के अंदर आपको सभी चीजें मिल जाती हैं, कलर बकेट का ऑप्शन भी आपको मिलता है, जो भी आप सेटअप करना चाहते हो कर सकते हो। लाइव डिस्प्ले के अंदर आपको कलर प्रोफाइल, रीडिंग मोड वगैरह सभी चीजें मिल जाती है। पिक्चर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और रिड्यूस पावर कंजप्शन, ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। नाइट लाइट आपका वर्किंग है, सो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बग वगैरह आपको नहीं मिलता। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के अंदर आपको अगर मैं क्लॉक्स वगैरह चेक करवाऊँ तो क्लॉक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती, क्लॉक्स आपको आई थिंक है जो इवॉल्वर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और टैप टू वेक आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो।
और एक चीज और है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो ये जो सेटिंग्स है वो बार बार क्रैश हो रही है, जो एक दो बार यहाँ पे क्रैश हो चुकी है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। सो मे भी एक बग आपको देखने को मिल सकता है, बट मेरे को यहाँ पे ये चीज अभी नोटिस हुई है, पहले यहाँ पे मेरे को ये चीज नहीं मिली। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी मी साउंड इनहेंसर वगैरह नहीं मिला, मे भी आने वाले ऑफिशियल अपडेट के अंदर आपको ये चीज मिल सकती है अगर आएगा तो। तो अगर यहाँ पे डिवाइस के सर्टिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है एंड सेफ्टी नेट आपका पास है विदाउट रूट के। अगर आप रूट करोगे डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैजिक हाइड वगैरह इनेबल करना होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स डेफिनेटली यूज कर सकते हो। कैमरा के ऊपर आते हैं, जो कैमरा है यहाँ पे MIUI 11 के ऊपर बेस्ड है, AI का ऑप्शन है। वीडियोस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ। 4K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट कोई भी EIS का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है एंड कैमरा काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। GCam अल्टरनेटिव है, अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी आप डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सभी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब बैटरी बैकअप के ऊपर आते हैं, तो 100% से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड अगर आप बैटरी बैकअप देखोगे 2 घंटे और 35 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, 17 घंटे हो चुके हैं इसको चार्ज किए हुए एंड काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। काफी यहाँ पे ना स्टेबल बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने तो यहाँ पे जो है N22 बेंचमार्क वगैरह भी रन किया है, तो काफी सारी चीजें मैंने रन की है, तो यहाँ पे हैवी टास्क मेरा हो जाता है। अगर आप इसको नॉर्मली यूज करोगे ऑलमोस्ट 7 आवर के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें लॉन्चर की, तो लॉन्चर आपको सेम एज इट इज पिक्सल लॉन्चर मिलता है। रोम है ना डेफिनेटली काफी स्मूथ है, अगर आप एनिमेशंस देखोगे तो रोम आपको काफी स्मूथ देखने को मिल जाती है। इवन कैमरा के साथ भी आपको कोई लैग वगैरह नहीं फेस करना पड़ेगा एंड रोम डेफिनेटली काफी स्मूथ है, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे इसको F2FS के अंदर फ्लैश किया था, और चेक करते हैं कि आपको F2FS वगैरह मिलती है या फिर नहीं। तो पिक्सल लॉन्चर के सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये है डिस्क इन्फो, इसके अंदर चलते हैं, सबसे पहले डेटा के ऊपर आते हैं। तो F2FS के अंदर आप इसको डेफिनेटली फ्लैश कर सकते हो। अब आ जाते हैं बेंचमार्किंग के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ, और यहाँ पे ना मैंने कुछ चीजें इंस्टॉल की थी वो आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये है इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ, जो कि काफी अच्छा है। 93% तक आपको सीपीयू थ्रॉटल्ड देखने को मिलेगा। एंड N22 के ऊपर आते हैं, तो N22 बेंचमार्क है ना वो आप देख सकते हो, इसका जो स्कोर है वो आपको 1,66,000 के आसपास मिलता है, जो कि काफी अमेजिंग है। और यहाँ पे जो कर्नल मैंने डाला है वो डेजर्ट ईगल वर्जन 17 है ओवरक्लॉक्ड वाला, और ओल्ड कैम वर्जन आप डाल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे X20 वाले whyred X20 नेम से थर्मल्स भी फ्लैश किए थे, उसको आप मैजिक से फ्लैश कर सकते हो। तो इन सब चीजों को यहाँ पे कंबाइन करके मैंने गेमिंग कॉम्बिनेशन ट्राई किया है एंड इसके ऊपर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो ना डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि एंड्रॉयड 10 में या फिर एंड्रॉयड 11 में रेडमी नोट 5 प्रो के लिए स्पेशली कौन सी गेमिंग आप बेटर, किसके ऊपर बेटर गेमिंग कर सकते हो, तो अभी आप एंड्रॉयड 10 के ऊपर ही बेटर गेमिंग कर सकते हो। बट एंड्रॉयड 11 के ऊपर आप करना चाहते हो ना, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। डेजर्ट ईगल वर्जन 17 ओल्ड कैम जो ओवरक्लॉक्ड है 2.2 GHz के ऊपर, उसके साथ थर्मल्स आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना एंड मैजिक से फ्लैश कर लेना एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना डेफिनेटली काफी कमाल की मिलेगी। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ना वो स्मूथनेस नहीं मिलती, बट कोई लैग भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। और एक चीज और है, यहाँ पे गेमिंग मोड तो मिलता है बट यहाँ पे कोई भी आपको FPS मीटर इस रोम के अंदर नहीं मिलता। सो मे भी आने वाले ऑफिशियल अपडेट के अंदर वो चीज ऐड हो सकती है, क्योंकि काफी टाइम बाद इसका अपडेट आया है Redmi Note 5 Pro के लिए। तो होप्स हो कि यहाँ पे ये सब चीजें आपको इन फ्यूचर मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।